बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। किंग इन फोर टीवी की तरफ से मैं हूँ मोहम्मद इस्माइल खान और हाज़िर हूँ सीरीज़ पाकिस्तान हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान के एक नए एपिसोड के साथ। आज के एपिसोड में हम आपको पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन के मुतल्लिक बताएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन पाकिस्तान का एक ऐसा अदारा है जो पाकिस्तान की तजारती ज़रूरियात यानी कि जो समुंदर के ज़रिए तजारत की जाती है उसमें काम करता है। तो व्यूअर्स, शिपिंग कॉरपोरेशन किसी भी ऐसे मुल्क को चलाने में अहम किरदार अदा करती है जिन ममालिक के यहाँ समुंदर लगता है, क्योंकि दरामदाद और बरामदाद के लिए बहुत ही सस्ता ज़रिया और बेहतरीन ज़रिया होता है समुंदर, यानी कि समुद्री तजारत। आज की नई उभरती हुई ताकत यानी कि चीन की कामयाबी के पीछे उसकी समुद्री तजारत का बहुत ही अहम किरदार है। अगर ये ना होती तो चीन कभी भी इस मुकाम तक नहीं पहुंच सकता था, और इसीलिए चीन आज पाकिस्तान में सीपैक मंसूबे को अमली जामा पहना रहा है, जिससे उसकी समुद्री तजारत का रास्ता मज़ीद आसान हो जाएगा और दूसरी तरफ जो उसे दूसरे पानियों में अपनी हरीफ ताकतों से खतरात हैं उनसे भी वो निजात हासिल कर लेगा और बहुत ही महफूज और सस्ता तरीन रास्ता बना लेगा। और अफसोस की बात तो ये है कि जो चाइना की शिपिंग कॉरपोरेशन है आज वो दुनिया की बड़ी शिपिंग कॉरपोरेशन में गिनी जाती है, जबकि पाकिस्तान की तरक्की के बाद फिर से जवाल पज़ीर है। पाकिस्तान की शिपिंग कॉरपोरेशन के तारीख के हवाले से देखा जाए तो पाकिस्तान में बैनुल अक़वामी समुद्री तजारत के लिए नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन 1963 में कायम की गई थी, और 1964 में पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन ने सिर्फ 6 जहाज़ों से ये काम शुरू किया था। जून 1971 तक कॉरपोरेशन के पास 23 जहाज थे। मशरकी पाकिस्तान से अलहदगी के वक्त बहुत सारे जहाज वहाँ के साहली बंदरगाहों पर ही मौजूद थे, जो बाद में बांग्लादेश की मलकियत में चले गए। उसके बाद पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन की अज़र नो तंजीम की गई। 1 जनवरी 1974 को सबक वज़ीर-ए-आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इसकी कारकर्दगी और इस्तेआद बढ़ाने के लिए वो वफाकी हुकूमत की तहवील में ले लिया। अदारा 1980 से कराची स्टॉक एक्सचेंज लिस्ट में भी आ गया। इसकी बुनियादी बंदरगाहें 3 हैं, जिनमें पहले नंबर पर कराची, दूसरे नंबर पर पोर्ट कासिम और तीसरे नंबर पर है ग्वादर। पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन के सरबराह को चेयरमैन कहा जाता है, और इस कॉरपोरेशन के इंतज़ामी बोर्ड में चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, 3 डायरेक्टर और 1 सेक्रेटरी होता है। और इसकी बोर्ड का क़याम 23 फरवरी 1974 को लाया गया था, और इस वक्त कॉरपोरेशन के पास 9 जहाज हैं जो बरामदी और दरामदी सामान लाते हैं, जिसमें पाकिस्तान चावल, खाद, हाम लोहा, कोयला, गंदम, स्टील, तमराती सामान, मदनियात, सीमेंट वगैरह दरामदाद बरामदाद ऐसी चीज़ें करता है। और आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बताते चलें कि पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन अब हाम तेल की नकल व हमल भी कर रहा है, जो इससे कबल गैर मुल्की जहाज़ों के ज़रिए होती थी या फिर प्राइवेट कंपनी के ज़रिए की जाती थी, और अब ये कराची और कोलंबो के दरमियान एक कंटेनर सर्विस भी शुरू है, और उम्मीद है पाकिस्तान इस शोबे में भी तरक्की करेगा और आहिस्ता आहिस्ता तरक्की की तरफ बढ़ भी रहा है। व्यूवर्स, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं एक और ऐसे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।